अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता तो लग गया होगा कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपना ऑपरेशन दोबारा से रिज्यूम करने की सारी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। इस सिलसिले में मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि एक बार फिर तकरीबन 2 महीने के बाद ट्रेन्स को दोबारा ट्रैक्स पर देखूंगा। और मैं ये बात जानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा खुश वो लोग होंगे जो अपने शहरों से दूर कहीं लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए तकरीबन 15 ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है, और वो कौन सी ट्रेन होंगी वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ फ़ौरन देख सकें। दोस्तों, पाकिस्तान रेलवेज़ ने 20 मई से तकरीबन 30 ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, जो कि आप लोग मीडिया पर भी देख रहे हैं, मगर एक्चुअली में ये सिर्फ 15 ट्रेन हैं, 15 अप ट्रेन और 15 डाउन ट्रेन, टोटल मिलाकर ये 30 ट्रेन हैं। मगर आप में से बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि टोटल 30 ट्रेन चलाई गई हैं, जबकि ऐसा नहीं है, सिर्फ 15 ट्रेन चलाई जा रही हैं फिलहाल। और इन 15 ट्रेन में से कुछ ट्रेन के रूट्स भी एक्सटेंड किए गए हैं और बहुत से ट्रेन के स्टॉपेजेस भी कम किए गए हैं। तो ट्रेन के स्टॉपेजेस का तो आप लोगों को रिजर्वेशन करते वक्त पता लग जाएगा कि कौन सी ट्रेन को कौन सा स्टॉप दिया गया है और कौन सा हटाया गया है, मगर इनमें भी जो मेन स्टॉपेजेस हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कराची का रहने वाला हूं, तो मैं शुरू में उन ट्रेन्स का जिक्र करता हूं जो कि कराची से चलाई जा रही हैं। दोस्तों, पहली ट्रेन है पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 13F40 Down आवाम एक्सप्रेस, जिसका रूट तो सेम रखा गया है, मगर इसके कुछ स्टॉपेजेस कम किए गए हैं, जो कि आपको रिजर्वेशन करवाते वक्त पता लग जाएंगे। इसके बाद कराची से दूसरी ट्रेन है कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 45F46 Down पाकिस्तान एक्सप्रेस, जिसका भी रूट सेम रखा गया है, मगर इसके भी कुछ स्टॉपेजेस कम किए गए हैं। इसके बाद कराची से चलने वाली तीसरी ट्रेन है कराची और सियालकोट के बीच चलने वाली 9 Up 10 Down अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। दोस्तों, इस ट्रेन का रूट कुछ इस तरह चेंज किया गया है कि अब ये लोधरा से खानेवाल वाया झाइया नहीं जाएगी, बल्कि मुल्तान स्टॉप करती हुई जाएगी। इसके अलावा कराची से चलने वाली चौथी और पांचवीं ट्रेन होगी कराची लाहौर के दरमियान चलने वाली 41F42 Down कराकरम एक्सप्रेस और 33F34 Down पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। ये दोनों ट्रेन भी वाया झानिया नहीं जाएंगी, बल्कि लोधरा से मुल्तान और मुल्तान से खानेवाल तक आएंगी। इसके बाद कराची से चलने वाली छठी ट्रेन होगी कराची और लाला मूसा के दरमियान चलने वाली 17 Up 18 Down मिल्लत एक्सप्रेस। इनको भी वाया झानिया नहीं, बल्कि वाया मुल्तान ले जाया जाएगा। इसके बाद कराची से चलने वाली सातवीं ट्रेन है कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 7 Up 8 Down तेजगाम एक्सप्रेस, जिसका रूट भी सेम रखा गया है, हाँ, मगर इसे कुछ स्टॉपेजेस जरूर कम किए गए हैं। इसके अलावा कराची से चलने वाली आठवीं ट्रेन है 43 Up 44 Down लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस, जिसका रूट और स्टॉपेजेस दोनों सेम रखे गए हैं। इसके बाद कराची से नवी ट्रेन होगी कराची और इस्लामाबाद के बीच चलने वाली 5 Up 6 Down ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, जिसको भी वाया मुल्तान लाहौर तक ले जाया जाएगा। इसके बाद कराची से चलने वाली 10वीं ट्रेन होगी कराची से पिशावर चलने वाली 1 Up 2 Down खैबर मेल एक्सप्रेस, जिसका रूट सेम रखा गया है, मगर इसके कुछ स्टॉपेजेस कम किए गए हैं। इसके बाद कराची से चलने वाली आखिरी और 11वीं ट्रेन होगी कराची से जैकबाबाद चलने वाली 145 Up 146 Down सखर एक्सप्रेस, जिसके भी कुछ स्टॉपेजेस कम किए गए हैं। तो अब ये ट्रेन थी वो जो कराची से चलाई जाएंगी, तो ये टोटल 11 ट्रेन हो गई हैं, तो बाकी बची 4, तो अब वो कौन सी ट्रेन होगी चलें वो जानते हैं। दोस्तों, तो उन 4 में पहली ट्रेन होगी मुल्तान और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 127 Up 128 Down मेहर एक्सप्रेस, जिसका रूट सेम रखा गया है, मगर स्टॉपेजेस कम किए गए हैं। इसके अलावा पिशावर से कोयटा तक
39F40 Down जाफर एक्सप्रेस को भी चलाने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। तो दोस्तों ये हुए तकरीबन टोटल 13 ट्रेन्स और बाकी पीछे बची हैं 2 ट्रेन्स। तो वो 2 ट्रेन्स हैं लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली रेल कार ट्रेन्स, जो कि एक है 101 Up 102 Down सुबक रफ्तार एक्सप्रेस और दूसरी है 107 Up 108 Down इस्लामाबाद एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये हैं वो पूरी 15 ट्रेन्स जो कि बुध से पाकिस्तान रेलवेज में सर्विस के लिए तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि 1 जून से पाकिस्तान में तमाम ट्रेन्स चलना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।